मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम्स के मुद्दे पे हर महीने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल करता है। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के मुद्दों पर हर महीने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल करता है। बहुत सारे चर्च हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो क्रिश्चियंस के मुद्दे पे हर महीने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल करते रहते हैं। हमारे हिंदूवादी संगठन हिंदुओं के मुद्दों पर पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते? राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रहित के मुद्दों पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते? चारों धाम सरकार के कंट्रोल में है, चारों धाम के जो पंडा पुजारी हैं ये पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते हैं? 12 भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है वो सरकार के कंट्रोल में है, उनको मुक्त कराने के लिए ये जो 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी हैं वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आते हैं? 51 शक्तिपीठ सरकार के कंट्रोल में है, वहां के पंडा पुजारी मंदिर को मुक्त कराने के लिए पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते? इस देश में 4,00,000 मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आखिर ये हिंदू कब जागेंगे? राष्ट्रवादी संगठन कब जागेंगे? समाधान तो केवल संसद में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा या सड़क पे होगा। अगर आप सड़क पे, आपके पास इतनी संख्या है सड़क पे आप उतरना चाहते हैं तो अच्छा है, फिर सड़क पे उतरिए। लेकिन अगर आप सड़क पे नहीं उतर सकते, आपके पास संख्या नहीं है, तो दूसरा समाधान है संसद और सुप्रीम कोर्ट। संसद सब लोग पहुंच नहीं सकते, तो कम से कम जो लोग संसद में हैं वो संसद में आवाज उठाएं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए, और जो ये दोनों काम नहीं कर सकते वो सड़क पे आवाज उठाए। आवाज तो उठाना पड़ेगा, समाधान यहीं से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट और संसद से ही निकलेगा, नहीं तो सड़क से निकलेगा। अगर अभी भी चीजें ठीक नहीं होगी तो इससे बढ़िया समय कब आएगा, इससे उपयुक्त समय कब आएगा? मैं देश के सभी धर्मगुरुओं से, अपने कथावाचक से, अपने महामंडलेश्वर से निवेदन करता हूं, राष्ट्रहित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आए। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।